आज होगा से यस टू माय हस्बैंड। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर शहर। ये ना मुझे पनौती बोल रहे हैं आप यहाँ पे भी आके लड़ रहे हैं मुझसे। जरा थोड़ी तमीज सीख ले आप। तो भाई मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आने वाली कहीं पे। चाहती है आपको कहीं लेकर आओ, जब तक हमेशा इसी तरह करती हुई। Dear everyone, welcome back with another vlog. और आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ, आप टाइम चेक कर रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं और मैं उठ गया था, अल्लाह भला करे आपका, मैं 8 बजे उठ गया था यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और बेगम अब तक सो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है और घर में देखो सन्नाटा छाया हुआ है। फिर कहते हैं ये लोग तुम पूरी पूरी रात पूरा पूरा सुबह सुबह सोते रहते हो, पूरी पूरी रात जागते रहते हो, अब इसका रीज़न है ना, अब मैं उठ के करूँ क्या, अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, भूख लग रही है, कोई खाना देने के लिए नहीं है, बेगम मेरी सोई पड़ी है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, अब मुझे खुद अपना नाश्ता बनाना पड़ेगा। आइए तो फिर नाश्ता बना। अच्छा आप भी उठी है, देखिए से यस टू माई वाइफ हो चुका कल, अब आपकी बार ये से यस टू माई हस्बैंड, कम ऑन गेट अप। आज मैं पूरा दिन आपसे इतने काम करवाऊंगा ना, आपकी सोच है, उठे फटाफट उठ जाए आप। तो अब मैं चला नाश्ता बनाने, क्योंकि मुझे ना बेगम से कोई उम्मीद नहीं, बेगम नाश्ता कराएंगी आप, भूख लग रही है मुझे। देखा आज होगा से यस टू माई वाइफ, कल हुआ था से यस टू माई हस्बैंड, सॉरी आज होगा से यस टू माई हस्बैंड, कल हुआ था से यस टू माई वाइफ। चले आप उठ जाए, चले आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपना नाश्ता खुद तैयार कर सकता हूँ, आप अपने लिए नाश्ता तैयार कर लें, क्योंकि आपके पराठे मुझे बनाने नहीं आते, मुझे अपने अंडे बॉयल करने और खाने। आ जाए मैं अंडे बॉयल करने जा रहा हूँ, आप एक काम करें उठे फटाफट उठे, जल्दी से उठे 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 उठ जाए, जल्दी उठे आप जाए। नहीं नहीं गर्म पानी आ रहा है, गीजर ऑन है, आई छू जाए, मैं अपना नाश्ता रखता हूँ, अंडे बॉयल करने जा रहा हूँ, जल्दी जाए फ्रेश होके आ जाए। चलो गई, जब हम अपना मैं अपना नाश्ता तैयार करूँगा, कल मैं लेकर आ गया था अपने लिए अंडे, ताकि कोई कमी ना हो, देखो मेरे अंडे रखे हुए हैं। ट्रेनर ने तो ये कहा है कि डेली 8 अंडे खाने, मतलब टोटल 9 खाने, 8 वाइड एग खाने और एक खाना है फुल एग, तो मेरी समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था पागल वागल हो गए वो, अगर वो मेरा ब्लॉग देखता है तो बुरा ना माने, बट तुम सच में पागल हो गए हो, 8 अंडे सुबह कौन खा सकता है यार, फिर बावला ही होगा। खैर तो मैं अपने आज ना 8 की जगह 5 अंडे ज़रूर खाऊँगा, 8 तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, 5 अंडे फिर भी कदरे बर्दाश्त है। तो मैं कहने लगा हूँ पानी गर्म, सॉरी अंडे बॉयल। ये हमारे आ गए अंडे 3, 1, 2, 3, सही है, और ये 2, 1 और 2, 5 अंडे हो गए, काफ़ी है। ठीक है, एक हम खा लेंगे फुल एग, बाकी हम खाएंगे 4, हम एक हम फुल एग खाएंगे, एक फुल एग खाएंगे, बाकी 4 हमने खाने वाइट एग, बाकी जो इनका योग होगा ना, योग फिर मैं देख रख दूंगा या फिर परिंदों को दे देंगे। चलो अब अंडे करने लगा हूँ मैं बॉयल, वैसे अंडे बॉयल करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी कल मैंने रोटी बनाई थी, पराठा अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट बहुत बुरा था, मतलब अच्छा था, बहुत पतला सा कड़क कड़क सा हो गया था। अंडे हो रहे हैं अब बॉयल, सो अब मुझे करना ये है कि इंतज़ार, ऑब्वियसली और कुछ कर भी नहीं सकता, अंडे जब तक बॉयल हो जाएंगे तब तक मैं, बेगम भी आ जाएगी, बेगम आ जाएगी तो नीचे कौन है, पता नहीं कौन है, नॉक कर रहा है। खैर अब फिर बेगम के लिए नाश्ता क्या बनाना मुझे कुछ नहीं पता, ये ना बोले बाहर से पराठे ले आओ, माफ़ करें मुझे बाहर नहीं जाना, सुबह सुबह मुझे बाहर जाना बहुत ही ना वाहियात लगता है, इंतहाई वाहियात लगता है। तो अब अंडे तैयार हो जाए फिर हम नाश्ता खाएंगे। रात में हमने कहा था हम सोएंगे जल्दी और हम लेट गए थे 12 बजे, हम सोएंगे जल्दी और सुबह जल्दी उठेंगे, मैं तो सो गया था तकरीबन 1:30 बजे, 2 बजे सो गया हूँगा, और ये मैडम कह रही है, मुझे आवाज़ आई घड़ी की, इट्स 4 PM AM सॉरी, तो इसका मतलब ये 4 बजे तक जाग रही थी बाबली। क्यों भाई क्यों जाग रही थी आप 4 बजे तक? नहीं है तो मैं क्या अकेला नाश्ता करूँ, गलत बात, गलत है ना, रूल्स के खिलाफ होता है यार, गलत है, रूल्स के खिलाफ होता है। पानी जल्दी, मेरा नाश्ता आ गया भाई, आज से मेरा नाश्ता यही है, थोड़ा सा डाइट पे फोकस करेंगे हम। सो हमने नाश्ता तो कर लिया है, अब बेगम ना
हाँ मैंने अपने लिए चिकन निकाली है दोपहर के लिए। हम कह रही है एक मक्खी मार चाहिए हमें घर में, मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है बेगम को और मेरे मुंह के आगे अगर मेरे घर तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने यूं ही करके ताली मारी खलास। मुझे कहती मक्खी मारो ना, मुझे मक्खी की शिकायतें कर रही है। अबे भाई मक्खी से मेरा क्या वास्ता, मेरे हाथ ही नहीं आती। लेकिन मैंने मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया मक्खी का। और जल्दी से बाबा आटा गूंदने की, उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद हम थोड़ा सा लेट जाएंगे वापस, उसके बाद वापस लेटने का। लेकिन मैंने देखना है अपना सीजन उस मानन, और ये पता नहीं क्या करेंगी, देखते हैं लग सी। गाइस ये इस वक्त जो है मुझे जा रहे हैं छोड़कर, इस वक्त जैसे रात के पता नहीं किस वक्त जा रहे हो, दिन दिहाड़े जा रहे हो, दिन दिहाड़े जा रहे हैं। अच्छा मुझे आ रही है तेज नींद, तो मैं इनको कॉल नहीं कर सकूंगी। हाँ फिर बस मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे धोखा मत देना, मैं सो रही हूँ। खुदा का खौफ करो बेगम, खुदा का खौफ करो। देखो मैं कॉल करके तो तंग नहीं कर सकूंगी, तो आप खुद ही मुझे अभी धोखा। वैसे भी बाइक पे हूँ, मुझे तंग करना भी मत, बाइक पे जा रहा हूँ मैं, बताती हूँ मैं अभी बाइक गाड़ी पे भी नहीं लेकर जा रहा। अल्लाह हाफिज। तो आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर शहर घूमने। मैं रेडी हो रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ अपना, सॉरी फॉर द मैस, यहाँ पे सब फैला हुआ है। तो मैं बस रेडी हो रही हूँ, इंशाल्लाह रेडी होकर बस हम निकलते हैं। अब हम निकल रहे हैं, देखिए हम कहाँ जाते हैं, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है वैसे कहीं स्पेसिफिक जगह जाने का, है ना। आते हैं भी, अल्लाह हाफिज अम्मी। तो जी हम निकल रहे हैं, और किस गाड़ी में जाना है? अपनी ही गाड़ी में जाना है। ओके जी, तो अभी हमारा प्लान ये चल रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें करीब ही जाना है, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है। गाइज ये ना मुझे पनौती बोल रहे हैं, आप लोगों को पता है पनौती बोल रही है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि मैं इनको जब भी जहाँ जाने का बोलती हूँ ना, जिस रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट घटिया निकलता है। जब भी नहीं, घटिया नहीं, तो मैं बोल रही हूँ अपनी मर्जी से ले चले, वो भी नहीं कर रहे। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट का बोलती है ना, अबे मैं भी हूँ व्लॉग में यार। अच्छा सॉरी। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट का बोलती है, आप वहाँ लेकर तो जाती है, और वहाँ का खाना इतना बुरा होता है, अल्लाह माफ करे। और खाना रेस्टोरेंट होगा भाई वाह, और खाना होगा भाई जा, खुद सोचे ना। और अभी फिर से आप बोल रही है स्काई डाइनिंग, और आप देखते हैं अल्लाह खैर करे। भाई करीब ही जा रहे हैं ना, दूर तो नहीं जा रहे ना एटलीस्ट। तो और वापसी कब आओगी? रात में। हाय बेबी, बताए ना वापसी रात में आएंगी ना। खुश कितना हो गए आप, वापसी रात में आऊंगी, नहीं जल्दी आ जाऊंगी, मैं सो के उठूंगा लेट। अच्छा ऑर्डर तो करे जी। तो हमारा सूप आ गया है, और ये माथा इधर मुझसे दूर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं वहाँ बैठूंगा, और मैंने कह रही हूँ यहाँ बैठे। आपको अच्छा नहीं लगता बेगम के पास बैठना? अच्छे लगने की बात नहीं, खाना कैसे? तो टेबल पर रखी क्यों खाना है, अब यूँ उठा के खा ले। क्यों मैं इतनी अपने क्यों कश्मकश में रहूं, मैं प्लेट संभालूं, मैं सुकून से सूप पीऊं, मोबाइल यूज करूं, मैं देखो कंफर्ट लेवल। आप यहाँ पर भी आके लड़ रहे हैं मुझसे, सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। जस्ट टेलिंग यू कि क्यों नहीं यहीं बैठोगे, यहीं बैठोगे मैं कह रही हूं। हो गया आपका, अब सूप पी लें, इससे पहले ठंडा हो। यार देखो अपना ना ज़रा थोड़ी तमीज़ सीख लें आप, वरना मैं आपको फिर ना फिर मैं गुस्सा करूँगा, तो अच्छी बात नहीं कि हम रेस्टोरेंट में थोड़ा बदतमीजी कर रही हूँ, बदतमीजी कर रही हूँ यार, ठंडा हो जाएगा। चलो ओके लेट्स स्टार्ट गाइस। तो जी ये हमारी फिश है, इन्होंने एक लाइन मार दी थी केचप की, माशाल्लाह दो लोग थे तो एटलीस्ट दो लाइन मार सकते थे जी। ये मैंने राइस मंगवाए, बांधे फिश मंगवाई है, अभी यार हमारा फर्स्ट टाइम है, समझना, थोड़ा सा मंगवाते हैं। ये वाला सूप मुझे अच्छा लगा, वो माँ को अच्छा लगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं खाना। अच्छा कि आपने खाना कब मंगवाया है ना, अच्छा की तरह होता है, यही आ रहा है कि बेगम हमेशा अपना खाना मंगवाती है और नहीं खाती, और मैं मंगवाता हूँ, मैं पूरा खत्म कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं खाया जा रहा, मैं क्या करूँ? आपको आपसे कभी कुछ खाया जाता है? खाया जाता क्या, मुझे इतना बता। आपको शर्म आ रही है, सबके सामने मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं? क्या मतलब है, आप उठी करते करो तो मैं क्या बर्दाश्त करता रहूँ? बोल रही हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, एक बार फिर खा लूंगी, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूंगा वो पी के पेट बदलूंगी, लेकिन चावल लिखा होगा कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो खा लूंगी। यदि शो में तो मैं मंगवा के दूंगा। नहीं अगर से भी आज का खाना आपकी तरफ से नहीं था। एक्सक्यूज मी, ए मिस्टर, मेरी तरफ से सारा घर का राशन मेरी तरफ से ले लो ना। बिल्कुल, क्या मतलब, वो घर आपका नहीं है क्या, या मेरी जिम्मेदारी है सारी? हाँ जी, आप याद रखिएगा मैं आइंदा आपके साथ नहीं आऊंगी। ये जो आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं ना, अभी
यार आप कोई हमेशा लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती रहती है? हमारा है इंसान बन गया है। आप हमेशा लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती है? दोबारा है इंसान बन गया है। दोबारा आप हमेशा लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती है? बारह है इंसान बन गया है। अच्छा मैं आपसे कहाँ लड़ रही हूँ यार? लड़के बोलती क्या? अब हम जाने लगे हैं घर। व्लॉग को करती हूँ मैं एंड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह प्यार करते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।